है काले चने का सालन। सालन इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रहेगी, जैसे एक चाट होती है वैसा सूखा नहीं रहेगा, इसमें ग्रेवी रहेगी। ये काले चने 1 पाव, 2 बड़े आलू हैं जिनको आप अपने हिसाब से कट कर लो, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। 2 बड़े प्याज हैं, उसको स्लाइस कर लेना है। 2 टमाटर बड़े जिनको चॉप कर लेंगे हम। ये सारे मसाले हैं, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून फुल साबुत जीरा है, 1/2 टीस्पून जो है धनिया पाउडर है, और करी पत्ते हैं 4 पत्ते, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, हरी मिर्ची 3 से 4 ऑप्शन है, आपको जितनी भी डालनी हो, हरा धनिया और गार्निश। ये हमने 1/2 कप जितना ऑयल लिया है जो कि गर्म हो जाएगा, दैन हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक, दैन फिर हम इसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई, हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें, साथ ही हम ऐड करेंगे करी पत्ता और ये जीरा। साथ ही हम इसमें हमारे सारे मसाले ऐड कर देंगे, मसाले ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, हाफ कप जितना इसमें डालना है पानी, ताकि इसकी अच्छे से बुनाई हो जाए। तो ये मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे आलू, इसको अच्छे से भुनाई करेंगे, देन साथ ही हम इसमें डाल देंगे पानी आलू के जितना, ताकि हमारे आलू गल जाएँ, क्योंकि चने हमारे बॉइल्ड हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी, ताकि आलू अच्छे से हमारे गल जाए मसाले के साथ, और इसको हम कवर कर देंगे। आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं और ये रस हम इसमें रहने देंगे, ठीक है। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें और ये हमारे बॉयल्ड चने सारे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये मसाले के साथ जो है वो पक जाए, और जब ये पक जाएंगे तो ऑयल ऊपर आ जाएगा और मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा चनों के साथ। इसको भी हम ढक देंगे घर पे 10-15 मिनट के लिए, और फिर हरा धनिया के साथ इसको गार्निश करके आपको दिखा। ये हमने चौले चने डिश आउट कर लिए हैं, और ये हमारी आज की रेसिपी, आई होप आप सबको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।